सबसे पहले आपको खबर दें, गैरी कर्स्टन और जेसन ग्लिप्सी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचेस मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया है। जराए का कहना है कि गैरी कर्स्टन वाइट बॉल और जेसन ग्लिप्सी रेड बॉल के हेड कोच होंगे। रस्मी कार्रवाई मुकम्मल होने पर बाकायदा ऐलान किया जाएगा। पीसीबी ने दोनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग हेड कोचेस के तकरीरी का फैसला किया है। वाइट बॉल और रेड बॉल के हेड कोचेस के बाद असिस्टेंट कोच की भी तलाश शुरू कर दी है। तफसील जानेंगे सुहेल इमरान से। सुहेल, अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचेस के लिए जो नाम है वो फाइनलाइज हो चुके हैं, और जिस तरह इश्तेहार दिया गया था कि रेड बॉल और व्हाइट बॉल के हेड कोचेस अलग अलग होंगे, इसी तरह अब गैरी कर्स्टन को फाइनल कर लिया गया है व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए, जबकि ऑस्ट्रेलियाई सबक फास्ट बॉलर जेसन ग्लिप्सी उन्हें रेड बॉल क्रिकेट के लिए फाइनल कर लिया गया है। थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज बाकी हैं जो रस्मी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तेहार दिया हुआ है और उसकी आखिरी तारीख जो है वो 15 अप्रैल है। इस तरह की दूसरे मामले भी हैं, इसलिए अभी तक हतमी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाकायदा ऐलान नहीं किया गया, लेकिन ज़राए ने हमें तस्दीक की है कि इन दोनों कोचेज के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामले तय पा चुके हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन कोचेज के असिस्टेंट के लिए इश्तेहार दे दिया और उसकी तलाश भी शुरू कर दी गई है, और 20 अप्रैल तक उन ख्वाहिशमंद अफराद से दरखास्तें तलब की गई हैं और जो दरख्वास्तें जमा कराएंगे। कब तक कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाएंगे और ये टीम को ज्वाइन कर लेंगे? जी, इस हवाले से अगले 2-3 रोज में जो कार्रवाई है, फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, वो मुकम्मल कर ली जाएंगी, जो पीसीबी के जराए हमें इस हवाले से बता रहे हैं। तो बाकायदा तौर पर इन दोनों कोचेज का भी ऐलान कर दिया जाएगा और दूसरी तरफ असिस्टेंट कोच की तलाश जो है वो 20 अप्रैल से पहले पहले मुकम्मल कर ली जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान, हमें तफसीलात से आगाह करते। गैरी कर्स्टन और जेसन ग्लिप्सी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचेज मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया है।